मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल अर्चना फैशन ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी लोगों को मेरी एंड मेरी फैमिली की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये है अभी मॉर्निंग का टाइम, लगभग 8:30 बज गए हैं और मैं यहाँ पे रेडी बैठी हूँ। ये हमारा सूटकेस और ये सिम्बा जान गया है कि मैं कहीं जाने वाले हैं, तो कैसे भूचाल मचा रहा है। और तो दोस्तों आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपको ब्लॉग में सब कुछ देखने को मिलेगा। और जन्माष्टमी हम लोग घर पे क्यों नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, क्यों नहीं, क्यों हमें जाना पड़ रहा है, तो ब्लॉग में दोस्तों बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो को अभी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना बहुत बहुत प्यार एंड सपोर्ट दें। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को अभी रास्ते में, बात करते हुए चलते चलेंगे। दोस्तों हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी घर पे नहीं मना पाए हैं, तो हम लोग रास्ते में अपने कान्हा जी के गाना बजाते हुए और मस्ती करते हुए जा रहे हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है और यमुना एक्सप्रेस वे है, तो कितना खुला रास्ता है। और हम लोग सोच रहे थे कि मथुरा होते हुए हम लोग जा रहे हैं तो माँ के बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करते हुए जाएंगे, लेकिन हस्बैंड ने सीधे अपनी गाड़ी आगे निकाल दी, उनको भीड़ भाड़ से थोड़ा डर लगता है, तो बोल रहे थे वापसी में आएंगे तब चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जा ही रहे हैं और ये आ गया यहाँ पे टोल, तो अब हो गया फास्ट टैग, तो फटाफट हम लोग यहाँ से निकले जा रहे हैं। और दोस्तों ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो एक हफ्ता तो हमें वहीं पे लग गया, तो उसके बाद वहाँ पे तो एडिटिंग नहीं हो पाती है, तो यहाँ आके ही हमने डाले हैं ब्लॉग। और यहाँ आके थोड़ी मेरी हो गई है तबीयत ख़राब, तो ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया, तो देख लीजिए और क्या बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं और आप लोग भी हमारे साथ यमुना एक्सप्रेस वे का मजा ले रहे होंगे। तो आज जा रहे हैं हम और पीछे खाली है, आज बच्चे नहीं है, आज हम लोग ही जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी यमुना एक्सप्रेस वे से, तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, देखेगा तो ये देखिए। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो हम लोग मथुरा आगरा होते हुए जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि माँ के बिहारी मंदिर में दर्शन करते हुए जाऊँ, लेकिन पता नहीं आज खुला होता है कि नहीं होता है, अभी मुझे मालूम नहीं है। अगर टाइम होगा तो देखते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो आज जाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चले ही जा रहे हैं क्योंकि सफर है थोड़ा लंबा और मैं तो आ गई हूँ आराम के मूड में, पैर कर लिए मैंने ऊपर, मैं भी कर लूँ ऊपर, तुम भी कर लो ऊपर, तो सबके ऊपर
सीधे ये भी गाड़ी से बाहर ऊपर कर ले तो हम सब ऊपर हो जाए। और अब भूख लग रही है मुझे तो, बस भूख लगी है, पेट खाली हो रहा है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लग रही है। सुबह सुबह निकले हैं एक कप चाय पी के और कुछ बिस्किट खाते हुए चल रहे हैं, ये खत्म हो गए हैं। तो रोड तो काफ़ी अच्छा है, सफ़र अच्छा है यमुना एक्सप्रेस वे से। और दिल्ली से आगरा तक कितने टोल पड़ते हैं? क्यों? तीन। तो आपको रास्ते में तीन टोल पड़ेंगे और आजकल तो आराम है, आपको टोल पे भी नहीं रुकना पड़ता है क्योंकि फास्ट टैग हो गया है। तो सीधे हमारी गाड़ी दौड़ी जा रही है दोस्तों, गाड़ी भी दौड़ी जा रही है और पेट में चूहे भी दौड़े जा रहे हैं। और ये देखो इनका मुँह कैसे लटक गया है भूख के मारे। तो आगे कहीं एक्सप्रेस वे से नीचे उतरेंगे तो कुछ मिलेगा तभी हम लोग खाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे से नीचे उतर गए हैं और अभी हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ये भराएंगे गाड़ी में सीएनजी और थोड़ी बहुत सीएनजी हम लोग अपने पेट में भी डालेंगे। तो आगे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे कहीं कुछ मिलेगा। तुम्हारा कहीं निकल तो नहीं गया? क्या जगह का नाम है भैया? ये जगह क्या नाम है? ये सीएनजी पंप? फैनी 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 सीएनजी पंप। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीएनजी पंप पे भरवाई है गाड़ी में सीएनजी और यहाँ पे एक ये छोटी सी शॉप है भैया की। तो मैं बैठे बैठे बहुत थक गई हूँ, सर दर्द करने लगा, तो यहाँ भैया चाय भी बना रहे हैं तो चाय पीऊँगी और कुछ थोड़ा बहुत खाऊँगी, यहाँ पे चिप्स वगैरह ले लूँगी। चलिए अभी पीते हैं चाय। तो ये चल रहे हैं यहाँ पे सपना चौधरी के सॉन्ग और ये है हमारा रास्ता। दोस्तों अभी हमारा डेस्टिनेशन आने वाला ही है, ये रास्ते में छोटा सा कुछ मार्केट पड़ रहा है और हम लोग घर आ गए थे तो उसके बाद काफ़ी थक गए तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और ये शाम को हम लोग निकल गए हैं कि आज जन्माष्टमी है तो मैनपुरी की मैं थोड़ा सा देख के आऊँ कि यहाँ पे जन्माष्टमी का क्या डेकोरेशन है। आगे आके आप लोगों को क्लिप शेयर करूँगी, आप लोग भी देख लीजिए कि हमारी मैनपुरी में जन्माष्टमी पे कितनी सजावट, कैसे हमारे कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे मनाया गया। ये देखिए आप यहाँ पे इस मंदिर में कितनी सुंदर सी डेकोरेशन की गई है, कान्हा जी के मंदिर में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये इस्कॉन टेंपल की तरह कुछ बनाया गया है। हम लोग भी बहुत दिनों के बाद मैनपुरी में जन्माष्टमी के दिन हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो एकदम, मतलब इतना अच्छा डेकोरेट किया था कि देखते ही बन रहा था, मन कर रहा था कि यहीं पर थोड़ी देर रुक जाऊँ और बहुत ही सुंदर लग रहा था। फ्रेंड्स आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और यहाँ पे बच्चे रह गए अकेले तो मैंने कहा कि आज कान्हा जी का जन्मदिन है तो बेटा कुछ कान्हा जी के लिए
प्रसाद बना लेना और कान्हा जी को भोग वगैरह लगा देना, क्योंकि इतना बड़ा कान्हा जी का त्यौहार है और हमारे मंदिर सूना रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ईशा को बता दिया कि कुछ ज़्यादा ना बना पाए, तो पंचामृत बना लेना बेटा। तो वो बना रही है यहाँ पे पंचामृत, बच्चों को जैसे देखते हैं वैसे वैसे कर भी लेते हैं। तो ईशा ने काफ़ी अच्छा किया, आप लोग देखिएगा यहाँ पे बना रही है पंचामृत। तो ये देखो हरकतें, तो उसने बना लिया भगवान जी का पंचामृत और ड्रेस वगैरह भी वो ही लेके आई, काफ़ी अच्छा है। उसने कान्हा जी को तैयार कर दिया उनके हैप्पी बर्थडे के लिए। और ये सिम्बा अपने लालच में यहाँ खड़े हुए, ईशा कुछ कर रही होगी तो ये तो पीछे ही पीछे रहता है। तो ईशा ने पंचामृत तैयार कर दिया और यहाँ पे ईशा ये खुद ड्रेस कान्हा जी के लिए लेके आई और मुकुट वगैरह सब कुछ उसने ही करा। और कान्हा जी को यहाँ नहला के ड्रेस वगैरह पहना रही है, उनको बर्थडे के लिए तैयार कर रही है हमारे छोटे से लड्डू गोपाल। तो आज मैं नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मिस लग रहा है कि मैं ये सब अपने ठाकुर जी के लिए नहीं कर पाई, बट कोई नहीं, ईशा ने काफ़ी अच्छे से कर दिया तो अच्छा है। बच्चे भी कभी कभी करेंगे ऐसे तो तभी सीखेंगे। तो सब कुछ उसने कर दिया, कान्हा जी को तैयार भी कर दिया और शाम को पूजा भी कर दी हमारी कान्हा जी की, आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों यही था छोटा सा ब्लॉग, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो चलो ये फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।